तो मैंने आज आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया, मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि गुलदार से सावधानी रख के ही बचा जा सकता है। कुछ लोग इस आपदा में, जो गुलदार के द्वारा आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं, वो आपदा में अवसर की तलाश, जैसे कि कल यहाँ बिजनौर जनपद के अंदर मुख्य वन संरक्षक, जो वन विभाग का उत्तर प्रदेश का बड़ा अधिकारी था, वो यहाँ आए। जब वो यहाँ आए, अगर उन्हें मौका दिया जाता कल और वो स्पॉट देख लिए होते और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग हो गई होती और ऐसे सुझाव उन अधिकारियों को दिए गए होते, जैसे कि बिजनौर जनपद में वन विभाग के पास पिंजरों की उचित व्यवस्था नहीं है, वन विभाग के पास एक्सपर्ट की कमी, वन विभाग के पास ड्रोन नहीं है, अगर वो वहाँ जो वन संरक्षक यहाँ आए थे उन्हें बताए गए होते तो यहाँ बिजनौर जनपद के जनमानस को ज़्यादा लाभ मिला होता। उसका घेराव करके अधिकारी को बंधक बनाकर और उन स्पॉट की जगहों पर ना जाने देना, क्योंकि मुख्य वन संरक्षक का कार्यक्रम कल सिकंदरपुर और वहाँ बेलीपुरा दोनों जगह कार्यक्रम था, मौके पर जाना था, वहाँ के किसानों से मिलना था, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। तो ये न्यूसेंस ना करे कोई इस तरह का, सबसे अनुरोध और निवेदन है, क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी है गुलदार, इस गुलदार से हम सावधान और सचेत रहकर बच सकते हैं। गांव-गांव जागरूकता अभियान हमारे संगठन के द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं और ज्यादा सब लोगों, इसमें हमने मुख्य विकास अधिकारी को कल चिट्ठी लिखकर ये कहा कि इसमें एक तो व्यवस्था ये कराई जाए कि सब ग्राम प्रधान जागरूकता अभियान का हिस्सा बने और अपने अपने गांव में जागरूकता अभियान चलाए, जिस पर अमल करते हुए कल सीडीओ साहब ने आदेश भी संभवतः करे हैं और बिजली विभाग को भी आज चिट्ठी लिखी है MD पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को कि रात के समय में बिजली जरूर चलती रहे ताकि चार ना रहे, क्योंकि गुलदार के द्वारा आज फिर सुबह दरियापुर में और कोतवाली ब्लॉक के राज्योपुर में हमला हुआ, सहानपुर में भी हुआ है। तो इसलिए गुलदार के हमले से सचेत रहने की जो सावधानियां, वो सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसका एक उदाहरण देखकर मैं बताऊंगा कि वन विभाग को गुलदार की एक्टिविटी के बारे में पता है, लेकिन खेती किसानी की समस्याओं के बारे में वन विभाग के कर्मचारियों को नहीं पता। इस बात को किसान बता सकते हैं, वन विभाग ने अपनी जो एडवाइजरी जारी करी, जो पंपलेट छपाई, उस पंपलेट में लिखा कि जब किसान खेत पर काम करने जाए तो वहाँ ट्रांजिस्टर या तेज आवाज में गाने बजाए, अगर वो तेज आवाज में गाने बजाकर किसान वहाँ बैठकर काम करने लगा तो उसे गुलदार की हट का पता ही नहीं लगने का। तो हमने इसलिए फिर अपनी तरफ से 4 दिन पहले से ये एडवाइजरी जारी करी है, पंपलेट जारी करी है, ये आपके माध्यम से ज्यादा लोगों तक जानी चाहिए। और वन विभाग की एडवाइजरी जो थी उसमें कई खामियां थी, उसमें भी हमने संशोधन करवाया है वन विभाग की एडवाइजरी में। मुख्य वन संरक्षक का परसों हमारे संगठन के द्वारा लखनऊ में घेराव करा गया और घेराव करके वन संरक्षक को सारी चीजें वहां अवगत कराई गई और मजबूर करा गया बिजनौर आने के लिए। तो आपदा में अवसर ढूंढने के बजाय अगर हम सब लोग मिलकर, सब लोग जागरूकता के साथ इसमें संघर्ष करेंगे तो हम कामयाब होंगे। और अब अति हो गई है, गुलदार के आतंक की भी अति हो गई है। जहां कहीं आत्मरक्षा में अगर कोई किसान गुलदार को मार देता है, जैसा कि मैंने मीडिया को कल भी बताया था, तो किसी किसान के, किसी मजदूर के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी तो जेल जाने वाले हम लोग होंगे अगली तरफ। अपनी आत्मरक्षा में बिल्कुल बिना निसंकोच गुलदार को मारने का काम करें, नहीं तो ये संख्या लगातार अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो ये आने वाले वर्ष में बहुत भयावह स्थिति बिजनौर जनपद की हो जाएगी। ये सब बातें मुझे आपसे करनी थी कि आपदा में अवसर की तलाश ना करके वन विभाग, लोगों से भी ये अपील है और मीडिया से भी ये अपील है हमारी कि अगर कहीं ये लग रहा है हमें कि वन विभाग की कोई लापरवाही है तो उसको अवगत करावा, पहले हम बातचीत करके और उसका समाधान निकलवाएंगे, नहीं होता तो उच्च अधिकारियों का घेराव भी करके उसका समाधान निकलवाने का काम करेंगे। लेकिन बेवजह अगर हम अधिकारियों को घेर रहे हैं, कल कंजर्वेटर को घेरे गए, तो इन सब लोगों को जंगल में जाकर और गुलदारों को घेरना चाहिए। और ये अकेले जो किसान संगठन भी, कुछ एक किसान संगठन की वीडियो मेरे सामने आई, मैंने सुनी
वो किसान संगठन आपको भी मैं वीडियो दे दूंगा, कंजर्वेट उसका घेराव कर रखा कल मुख्य वन संरक्षक का, और वहां बात कर रहे हैं मुख्य वन संरक्षक का घेराव करते हुए कि साहब हमारी लकड़ी की ट्राली, हम ठेकेदारी कर लेते हैं लकड़ी की, तो हमारी लकड़ी की ट्राली पकड़ रहे वन विभाग वाले। अरे तुम मुख्य वन संरक्षक से बात कर रहे हो और बात अपनी ठेकेदारी की कर रहे हो, तो ऐसे किसान संगठनों को भाई बराए मेहरबानी राजनीति ना करके इस समस्या का समाधान ढूंढने का काम करो। और ये ठेकेदारी केवल किसान संगठनों की नहीं है, ये हर जनप्रतिनिधि की जिले की है। हमने इस पर सब जनप्रतिनिधियों को पत्र भी लिखे, जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर भी गए, आप लोगों ने खबर भी प्रकाशित की, लेकिन अभी दो तीन चार जनप्रतिनिधि नींद में सो रहे हैं, हलाए जुलाए बतेरे नींद से नहीं जाते। तो सब जनप्रतिनिधि भी जागने का काम करें, नहीं तो संगठन इन जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए इनके घरों के बाहर धरने देंगे हम, क्योंकि कानून विधानसभा और लोकसभा से बनता है। ये वन्य जीव जो है आरक्षित श्रेणी का वन्य जीव है, ये आरक्षित श्रेणी के वन्य जीव को अगर बाहर निकलवाने के लिए कोई कानून बनाना है, बिजनौर के लिए कोई स्पेशल कानून बनना है, तो वो लोकसभा और विधानसभा से बनेगा, ना कि DFO कार्यालय से। हम कोई जादूगर नहीं है कि ऐसे जादूगर हम हो या हमको कोई ऐसा जादू का मंत्र आता हो कि जिससे DFO के ताले लगा दे और गुलदार चल कर अपने आप आ जाएगा। ये वो वाली बात है कि अगर हमारे घर में चोरी हुई और हमने सूचना दी पुलिस को और पुलिस आई है, पुलिस जो कपड़ा है ये बड़े कपड़े लेकर कपड़ा लपेट कर रखो, झुंड के रूप में जंगल जाए, कोई भी व्यक्ति अकेला जंगल ना जाए, महिलाएं शौच के लिए ना जाए, अपने घरों में शौच बजाए, ये सब सावधानी बरतते हुए और वन विभाग के साथ खड़े होकर। जैसा कि कल की घटना, कल सिकंदरपुर में कहीं लोकेशन मिली जहां घटना भी घटी थी, ट्रेस कर लिया गया, तो वहां वन विभाग को के पास बल्ली वो बांधने के लिए, मचान बांधने के लिए बल्ली और वो सामान नहीं मिल रहा था। उनकी सूचना ही गांव वाले लोग डर के मारे सहयोग नहीं कर रहे थे। हम वहां पहुंचे, हमने वो बल्ली वहाँ उपलब्ध कराई, अपने आप मचान बनाया, एक्सपर्ट जो डॉक्टर थे वो भी आए हुए थे, लेकिन वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। जब हम सब लोग उनके साथ खड़े हुए तो वहाँ जंगल में मचान भी बांध ली गई और एक्सपर्ट रात भर वहाँ रहा भी उसको मचान पर। तो अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे सहयोग के साथ तो जल्दी इस पर काबू पाया जा सकता, नहीं तो ये भयावह स्थिति बन चुकी है जनपद बिजनौर की, तो सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। और कोई बात नहीं, नरभक्षी गुलदार है ये, एक है या संख्या इसकी ज्यादा हो सकती है? देखिए ये जो हमला कर रहा है ये संख्या एक से बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि गुलदारों की संख्या बहुत ज्यादा जनपद के अंदर है। अब तक कितने लोग इंदौर जिले में डेथ हो गए? 13 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं गुलदार के हमले से। अच्छा, वन विभाग पकड़ने की कोशिश कर रहा है, CCTV कैमरे लगा रखे हैं, ड्रोन कैमरों से तलाश की जा रही है, और भी तमाम उपकरण लगा रखे हैं, वाइल्ड लाइफ की टीम भी आई हुई है, फिर भी नहीं पकड़ा जा रहा गुलदार, तो इसमें क्या लापरवाही मानते हैं वन विभाग? देखो बिजनौर वन विभाग के पास संसाधन नहीं थे कोई भी, वन विभाग की लापरवाही है कि अब से 4 महीने पहले से हम लगातार वन विभाग को जागरूक कर रहे थे, कह रहे थे। वन विभाग की तो घोर लापरवाही अगर ना होती, वन विभाग तो आज तक पंपलेट भी गाँव तक नहीं बंटवा पाया, वन विभाग तो जागरूक भी नहीं कर पाया, वन विभाग के पास जब पिंजरे तक भी नहीं पकड़ने के लिए तो मारने के लिए राइफल दफा साहब की, इनकी राइफल पता नहीं वो साल भर में चले, 2-10 साल में चले, तो कहां से ये मार देंगे, मरने से अच्छा मारना और अपनी जान की सुरक्षा करना हमारा अधिकार है, तो सब लोग सावधान रहे तभी काबू पा सकते हैं, बस मैं इतना। आप अपील कर रहे हैं लोगों से कि गुलदार को मार दो, तो आप अगर पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी फिर? अगर कहीं कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो सबसे अगली तरफ दिगंबर जेल जाने का काम करेगा, ऐसा कोई जेल का फाटक नहीं है कि जो अपनी आत्मरक्षा में गुलदार को मारने वाले को कोई जेल बंद कर ले, उस जेल के फाटक को ट्रैक्टर लगाकर तोड़ने का काम करेंगे। देखो हाँ वो ये कह रहे हैं तुम जो सरकारी हो, सरकारी है। अच्छा एक बात अगर आप कह रहे हैं कि एक्सपर्ट नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन ड्रामा क्या चल रहा है? देखो पहला जवाब आपका दे दूं, जो सरकारी और प्राइवेट की बात,
संगठन का काम ना पक्ष ना विपक्ष, चाहे वो मैं हूं चाहे वो दूसरा। और हमने आज लोग कोको नहीं उड़ाई, कोको कोई वोट नहीं ले गई ना। हम जनपद के अंदर ऐसा माहौल तैयार करना चाहते कि जो विपक्ष के लिए कोई काम हो ना। हम पक्ष ना विपक्ष, हमने ईमानदारी के साथ में संघर्ष करा, हम करेंगे। कौन क्या कह रहा है हम उस विषय पर जाना नहीं चाहते, हम कोई कमेंट ही नहीं करना चाहते। हम तो हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी कोई ऐसा काम ना करा कि जिससे कहीं कामों में व्यवधान आवे, सहयोग ही करना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने कही कि संसाधन नहीं है तो फिर ड्रामा क्या है? संसाधन नहीं थे ना, बाहर के अधिकारी थे। लखनऊ तक संघर्ष करा गया इसके लिए। जनप्रतिनिधि बताओ, कल परसों शाम से पहले अगर कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा हो इस बिजनौर का तो बता दो हमसे, अगर किसी का कोई बयान आया हो तो। परसों जब इनके घर जा जाकर इनकी कुंडी खटखटाई जनप्रतिनिधियों की, और हमने कोई भेदभाव इसमें नहीं करा। जो हमने चिट्ठी दी और जो कुंडी खटखटाई है वो पक्ष और विपक्ष दोनों के जनप्रतिनिधियों की खटखटाई है। दोनों सांसद हमारे हाथ नहीं आए, टेलीफोन भी दोनों सांसदों ने नहीं उठाया, कोई सा सांसद हाथ नहीं आया, टेलीफोन उठाया नहीं। जनप्रतिनिधियों से 8 के 8 जो विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनसे टेलीफोन पर जरूर वार्ता हुई। वो 3-4 ही जाग गए, बाकी तो 2-3 सोई रहे। जो ना बोल रहे वे सोई रहे, और क्या हमसे कमाओ। सपा वाले हाँ, नहीं पक्ष के भी है विपक्ष के भी है भाई, सत्ता पक्ष के भी दोष हो रहे हैं। बताओ मैं गलत कह रहे हो तो, सत्ता पक्ष के भी दोष हो रहे हैं आपके सामने है। दो लोगों का कोई ना स्टेटमेंट आया, ना कोई बयान आया, ना कोई सूचना करी, और विपक्ष के भी सो रहे। तो ये तो पक्ष के भी सो रहे, विपक्ष के भी सो रहे। अभी तो कोई बोला नहीं था, शायद मनोज को बयान आया, मनोज को मिला था, कल आया।